आईकोन यो 6, आईकोन 7, रियलमी X7 मैक्स 30,000 के अंदर बेस्ट गेमिंग फोन कौन सा होने वाला है? सो गाइस, ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो कि 30,000 के अंदर बेस्ट गेमिंग फोन परचेस करना चाहते हो। और गाइस, अभी तक कंफ्यूजन के अंदर हो, परचेस नहीं किया अभी तक फोन की, जिन लोगों के पास है फोन वो भी देख सकते हो वीडियो को। तो गाइस, बहुत ज्यादा हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग अगर गलती कर दो फोन को परचेस करने के लिए, फिर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन के अंदर हो कौन सा फोन को परचेस करें, तो गाइस यहाँ पे तीन ऑप्शन को मैं लेके आ चुका हूँ वीडियो में। बेस्ट रिव्यू आप लोगों को बताया फोन के बारे में इस चैनल पे मिलता रहता है। तो गाइस, ये वीडियो का एंड तक पूरा देखते आपको इसी टॉपिक के ऊपर और कोई वीडियो सर्च करना नहीं होगा और बाद में आप लोगों को कभी भी पछताना भी नहीं होगा। तो गाइस, तीनों फोन के अंदर करने वाले कंपैरिजन और गाइस बताएंगे कौन सा फोन आप लोगों के लिए बेस्ट होने वाला है। तो गाइस, बहुत सारे बंदे बोलोगे इसको भी छोड़कर बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन मैंने बेस्ट ऑप्शन चूज किया 30,000 के अंदर। या फिर गाइस, प्रोज एंड कॉन्स फोन का साइड में रख के हम कंपैरिजन करेंगे, सब कुछ देखेंगे। तो यार, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा वीडियो। सो गाइस, आप देख रहे हो एलिस गेमिंग यूट्यूब चैनल, चैनल पर कर रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस करके जाना, वीडियो को लाइक कब रखते हैं 100 लाइक मुझे बताइए गाइस। आप लोग कंप्लीट कर दोगे 100 क्या 1000 भी कंप्लीट कर सकते हो आप, लेकिन नहीं गाइस, ज्यादा एम नहीं रखेंगे, 100 लाइक कंप्लीट आप लोग कर देना। सो गाइस, चलो यार, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। तो इस वाले बात करते फोन का, तो गाइस तीनों फोन के मैंने यूज़ किया, आईकू 7 से लेकर आईकू नियो 6 और गाइस या फिर रियल मैक्स और मैक्स को मैंने कुछ दिन पहले यूज़ किया, मेरा चैनल में आप लोग वीडियो भी देख सकते हो। तो इस वाले बात करते फोन का प्रोसेसर के बारे में, तो गाइस दोनों फोन में जो आईकू नियो 6 और आईकू 7 है, दोनों में आप लोग को स्नैपड्रैगन 870 का प्रोसेसर चिपसेट देखने को मिल जाता है। और गाइस, जो हमारा रियल मैक्स और मैक्स है, उसमें हम लोग को देखने को मिल जाता है डायमेंसिटी 1200 मतलब 1200 का प्रोसेसर। सो गाइस, अगर बात करें एंड्रॉइड स्कोर के बारे में, सो गाइस यहाँ पे हम लोगों को आईकू नियो 6 और गाइस आईकू जो 7 है, दोनों में हम लोग को 7,30,000 या फिर 7,30,000 आप लोगों को देखने को मिल जाता है आईकू 7 में, और 7,36,000 आप लोगों को देखने को मिल जाता है आईकू नियो 6 5G में। और यहाँ पे गाइस, जो हमारे रियलमी X1 मैक्स, उसमें गाइस 6,84,000 जैसा एंड्रॉइड स्कोर हम लोग को देखने को मिल जाता है। तो ये बात करें एंड्रॉइड स्कोर का और गाइस प्रोसेसर का, तो गाइस यहाँ पे हम लोग को स्नैपड्रैगन जो 870, एक बात में बोले तो आईकू का जो दो फोन है, मतलब एक आईकू का 7 और गाइस आईकू नियो 6 5G, तो दोनों हम लोग को आगे निकल गया। तो गाइस रियलमी X1 मैक्स जो है वो थोड़ा सा पीछे रह जाता है। तो कैसे बात करते हैं जीपीयू का, तो इस आईकू नियो 6 और आईकू 7 में हम लोग को देखने को मिल जाता है एड्रेनो 650 का जीपीयू, और कैसे यहाँ पे हम लोग को डायमेंसिटी 1200 मतलब कि रियल में जो X7 मैक्स, इसमें हम लोग को देखने को मिल जाता है मालिका G77 MC9 का जीपीयू। तो कैसे बात करते हैं जीपीयू और मेगा हार्ट का, तो कैसे यहाँ पे हम लोग को स्नैपड्रैगन प्रोसेसर आगे देखने को मिल जाता है। और कैसे जीपीयू फिर गेमिंग मतलब जो हैंडल करता है, स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर बहुत ही अच्छा करता है मीडियाटेक से। सो गाइस, यहाँ पर प्रोसेसर के मामले में, फिर आप लोग बोलो जीपीयू के मामले में, तो यहाँ पे हम लोगों को आईक्यू का फोन जो है 16 फर्स देखने को मिल जाता है, और गाइस आईक्यू का नियो 6 से और भी थोड़ा सा फर्स देखने को मिल जाता है आईक्यू 7 से। और गाइस, अगर बात करते हैं फोन का डिस्प्ले के बारे में, तो गाइस यहाँ पे तीनों फोन में हम लोग को 120Hz का एक सुपर एमोलेड पैनल डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। और अगर डिस्प्ले का अगर बात करें रिफ्रेश रेट का, तो तीनों में 120Hz मैंने पहले ही बोल दिया। अगर बात करें टच सैम्पलिंग रेट का, तो गेमिंग के मामले में जानते होंगे आप लोग कि टच सैम्पलिंग रेट बहुत ही ज़्यादा काम करता है, मतलब टच के बारे में अगर आप गेमिंग करते हो फोन से, गेम खेलते हो, तो गाइस टच सैम्पलिंग रेट बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो बात करते टच सैम्पलिंग रेट का, तो गाइस यहाँ पे हम लोगों आईकू नियो 6 में 1200 Nits का, अभी यार क्या बोल रहा, 1200Hz का, 1200Hz का हम लोग को टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिल जाता है। और गाइस दूसरे हम लोग को आईकू 7 और गाइस जो रियलमी X7 मैक्स है, आईकू 7 में हम लोग को देखने को मिल जाता है 300Hz का। और गाइस हमारा रियलमी X7 मैक्स है, टच सैम्पलिंग रेट यहाँ पे दिखा जाता है 360Nits का हर्ट्स का। सो ये बात करें अगर तीनों के अंदर, तो गाइस यहाँ पे आईकू नियो 6 बहुत ही ज़्यादा आगे है दोनों के डिस्प्ले के कंपैरिजन में। सो अगर बात करें डिस्प्ले का, तो गाइस यहाँ पे आईकू नियो 6 जो इसका डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा बेटर है, थोड़ा सा बेटर है, या फिर काफ़ी ज़्यादा आप लोग बोल सकते हो। अगर हम लोग बात करें हर्ट्ज रेट के बारे में, तो गाइस यहाँ पे हम लोग को आईकू नियो 6 में ज़्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है, तो डिस्प्ले यहाँ पे बेहतर निकल के आता है। सो गाइस, अभी हम बात करते हैं फोन का बैटरी और चार्जिंग में होने, तो गाइस यहाँ पे जो डिस्प्ले, सीपीयू, जीपीयू सब कुछ जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे माइंड रखते हैं बैटरी और चार्जर। क्योंकि गाइस फास्ट चार्जिंग अगर ना हो और बैटरी अगर ज़्यादा ना हो कैपेसिटी बैटरी का, तो गाइस यहाँ पे गेमर्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। तो गाइस बताएंगे कौन सा फोन में बेस्ट बैटरी और बेस्ट फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाता है। सो गाइस यहाँ पे बात करते हैं आईकू 7 का, सो गाइस आईकू 7 में आप लोगों को देखने को मिल जाता है 400
4400 mAh का बैटरी और उसके साथ 66 वाट का फास्ट चार्जिंग। और गाइस रियलमी एक्स सेवन मैक्स में भी सेम यहाँ पे देखने को मिल जाता है, लेकिन इस फोन में बस 50 वाट का चार्जर सपोर्ट कर रहा है, लेकिन गाइस फोन के साथ मिल जाता है 66 वाट का फास्ट चार्जिंग। और जब बात करते हैं आईकू न्यू 6 5G का जो कि लेटेस्ट मॉडल है आईकू का, सो गाइस इसमें हम लोग को देखने को मिल जाता है 4700 mAh का बैटरी, उसके साथ गाइस 80 वाट का फास्ट चार्जिंग जो कि गाइस आपका फोन को 20 से 25 मिनट के अंदर या फिर 30 मिनट के अंदर फुल चार्ज करा देगा। सो गाइस बैटरी के मामले में बात करें, चार्जिंग वाले बात करिए, फिर आईकू न्यू 6 जो है काफ़ी ज़्यादा आगे हैं। और अगर बात करें सॉफ्टवेयर वगैरह, तो कैसे यहाँ पे हम लोग को वीवो में फंटस वॉइस देखने को मिल जाता है जो कि आईकू के वॉइस में सेम ही है, और अगर रियल में हम लोग को रियलमी वॉइस देखने को मिल जाता है। अगर वॉइस की बात करें तो रियलमी का वॉइस आईकू के वॉइस से फंटस वॉइस से बहुत ही ज़्यादा आगे निकल कर जाता है ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। और गाइस कुछ लोग होते हैं कि ओवरऑल यूज़ के लिए फ़ोन को परचेस करना चाहते हो गाइस सब कुछ गेमिंग वगैरह कैमरे वगैरह, तो इस कैमरे पर बात करें तो वीवो का कैमरा ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि रियलमी एक्स मैक्स का कैमरा भी उतना ज़्यादा खराब नहीं है, अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, खराब नहीं है। आईकू का कैमरा थोड़ा सा बेटर आप लोग देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें स्क्रीन टोन के बारे में, बात करेगी शार्पनेस के बारे में, सब कुछ देखने को ज़्यादा मिल जाएगा आईकू का फोन जो है दोनों फोन में, और आईकू न्यू 6 में और भी थोड़ा सा ज़्यादा बेटर जो है सैचुएशन वगैरह कलर वगैरह देखने को मिल जाएगा। और बात करें फोन का डिज़ाइन के बारे में, तो गाइस यहाँ पे हम लोग को तीनों फोन का डिज़ाइन मतलब आप लोग को दिखा दिया वीडियो में, तो गाइस कौन सा डिज़ाइन आप लोग को सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा कॉमेंट पर जरूर। सो गाइस यहाँ पे वीडियो तो खत्म होने वाला है, और बात करते हैं फोन कौन सा फोन आपको सबसे ज़्यादा बेस्ट देखने को मिल जाता है, तो कैसे तो आप लोग पहले कॉमेंट भी बताओ, पहले भी जाके बताओ, एक 10 सेकंड टाइम है आप लोग के पास, जाके बताओ कि कौन सा फ़ोन आप लोगों को मतलब लेना है। वीडियो को भी पॉज करो, किसी बताओ कौन सा फ़ोन बेस्ट लगा, उसके बाद मैं बताऊंगा। जाओ बताओ, पहले बता दिया, तो कैसे हम लोग बात करते हैं कौन सा फ़ोन आप लोगों के लिए बेस्ट होने वाला है। सो गाइस यहाँ पे सब कुछ हम अगर देखें तो आईकू न्यू 6 5G है लेटेस्ट है, सब कुछ अगर मिला के देखें तो कैसे यहाँ पे आईकू न्यू 6 5G बेस्ट निकल गया है, बेस्ट फास्ट चार्जिंग, बेस्ट प्रोसेसर भी बेस्ट है, एंटीटू स्कोर भी बेस्ट है, डिस्प्ले भी बेस्ट है, कैमरा भी बेस्ट है, यहाँ पे बैटरी भी बेस्ट है, सब कुछ बेस्ट है ये फ़ोन में, लेटेस्ट भी है। तो कैसे आईकू न्यू 6 की तरफ आप लोग जा सकते हो, फिर आपका मर्जी। जो हम लोग को रियलमी एक्स मैक्स में देखने को मिल जाता है 90 FPS, हम ग्राफिक्स की बात करें तो ये दोनों फ़ोन में एक्सट्रीम देखने को मिल जाता है, ये एक एडवांटेज है, लेकिन 90 FPS एंड्रॉइड में अच्छे से काम नहीं करता या फिर रियलमी एक्स 7 मैक्स में भी। तो यार चलो वीडियो को अभी तक खत्म करते हैं, और इस बताना आप लोगों को कौन सा फ़ोन लेना चाहते हो, अगर लेते हो तो कमेंट करके जरूर बताना, हाँ भाई एलेक्स भाई मैंने ये फ़ोन को परचेस कर लिया, कौन सा फोन आप लोगों को बेस्ट लगा कमेंट पर जरूर बताना। आपके पास अगर कोई सी फ़ोन है यूज़ कर रहे हो, कैसा लग रहा है यार, तो ज़रूर बताना। और गाइस आप लोग यार कमेंट करो कि कौन सा टॉपिक के ऊपर मेरे को वीडियो बनाना चाहिए, आपका भाई ज़रूर वीडियो लेके आएगा। चलो वीडियो को आज का खत्म करते हैं, और गाइस मिलते हैं इसी भी ज़्यादा कोई अच्छे से कॉन्टेंट के साथ, मुझे बस कॉमेंट पर बताओ क्या कॉन्टेंट के ऊपर मुझे वीडियो बनाना चाहिए, ये सब कॉन्टेंट के आप लोग को अच्छा लग रहा है तो इस कॉमेंट पर जरूर बताना। ओके चलो टाटा बाय बाय, अच्छे से रहना, सब लोग खुश रहना, और गाइस सब्सक्राइब करना, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन फील होता है एक सब्सक्राइब से, और लाइक भी करके जाना, ज़्यादा एम नहीं है 100 लाइक्स का। टाटा बाय बाय।